नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब हेल्दी और सेफ हैं। आपकी दिवाली कैसे गई? मेरी दिवाली तो काफ़ी बिजी थी, जिसके चलते 2-3 हफ्तों तक मुझे वीडियोस बनाने का और अपलोड करने का कोई मौका नहीं मिला। तो आज मैं अपने क्लिनिक में हूँ और आज मैं एक फेस पैक बना रही हूँ, जो मैं अपने पेशेंट्स को, मोस्टली जो एक्ने पिंपल्स के जो पेशेंट्स होते हैं या जो अच्छी स्किन पाना चाहते हैं, उनको फेस पैक के लिए मैं घर पे देती हूँ। तो उस पाउडर को मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा उसका जो इसके जो कंटेंट्स है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। शायद आप भी इसको घर पे बनाकर आप यूज़ करके इसके फ़ायदे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आयुर्वेदिक गर्ल इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जल्दी ही हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर को टच करेगा और तब आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल सरप्राइज आपको मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी फॉर ऑल द मेस, बट प्लीज, यस, आई होप यू कैन सी दिस। यस, नाउ मैंने अभी कुछ लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी मैं 9 इंग्रेडिएंट्स लेकर अपना जो फेस पैक है वो बनाने वाली हूँ। उसके लिए हमें चाहिए, क्योंकि मेरा जो खरल है वो छोटा है और मेरा जो मुखालेप, फेस पैक को मुखालेप ऐसे कहा गया है, तो वो मेरा ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने एक बड़ा जो जार है उसे लिया है। उसके अंदर मैंने 100 ग्राम्स मुल्तानी मिट्टी ली है। उसके अंदर अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और उसके अंदर ही उसे मिक्स करेंगे। तो चलिए, मुल्तानी मिट्टी 100 ग्राम्स, उसके अंदर सारीवा चूर्ण हम डालेंगे 10 ग्राम्स। 1, 2, सारीवा चूर्ण हो गया, सारीवा चूर्ण। सॉरी ये सेल्फी मोड है, आपको मैं बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी, ओके। इसके कारण आपको आसानी से, ऐसे माना गया है, ऐसे कहा जाता है कि जब भी कोई वैद्य कोई मेडिसिन खुद बनाता है और तब पेशेंट्स को यूज़ करता है, तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने इसके अंदर डाला है जिसे वाड़ा कहा गया है, वेटिवेरा जिजानियोडिस, इसका जो बॉटनिकल नेम है दारू हरिद्रा। सब 10-10 ग्राम डालेंगे, सिर्फ मुस्ता या नागर मोता हम ज़्यादा डालेंगे थोड़ा सा। मुल्तानी मिट्टी उसका बेस है, इसलिए हमने उसे ज़्यादा लिया है, 100 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, मतलब ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, उसके हिसाब से हम उसका जो मिक्स करने का जो मीडियम है वो बदलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा ये लोधरा चूर्ण है। ऑयली स्किन के लिए हम इसके अंदर गुलाब जल पानी डाल सकते हैं और ऑयली स्किन के लिए सिर्फ ड्राई स्किन के लिए इसमें दूध और थोड़ा सा कोई भी सिद्ध तेल, जैसे कि कुमकुमादी तेल, नाल पमारेदी तेल, ऐसे हम डाल सकते हैं, या थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए। और अगर जब नॉर्मल स्किन होती है तो पानी या कच्चा दूध भी आप इसमें मिलाकर उसका लेप फेस पैक के तौर पर लगा सकते हैं। अब ये खदीर की छाल है, खदीर भी हमारे त्वचा के लिए, सभी त्वचा रोगों के लिए उत्तम औषधि कहा गया है। मैंने पिछले भी फंगल इन्फेक्शन के वीडियो में खदीर का काढ़ा ही लेने को बोला था। अभी हम इसमें डाल रहे हैं मुस्ता या नागर मोता, जैसे कि हमने पहले का जो इंग्रेडिएंट्स अभी है वो हमने 10-10 ग्राम्स डाले हैं, अभी ये 20 ग्राम्स डालेंगे, इसका मतलब ऑलमोस्ट 4 स्पून्स। ओके, उसके अंदर हम डालेंगे सुगंधी कचोरा या कापूर काचरी, मराठी में कापूर काचरी भी कहते हैं उसे, 10 ग्राम्स। और उसके अंदर लास्ट एंड द बेस्ट, मंजिष्ठा। मंजिष्ठा हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में या रक्त शुद्धि में काफ़ी अग्रे कहा गया है, ये भी 10 ग्राम्स डालेंगे।
अब इसे हम मिक्स करेंगे। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये साइड में रखा हुआ रह गया था, वो है सबका चहिता स्किन केयर में जो फेमस है आयुर्वेदिक, ये चंदन चूर्ण है। ये रक्त प्रसादक है, पित्त शामक है और स्किन के लिए पोर्स जो ओपन पोर्स है उन्हें क्लोज करने के लिए भी बहुत ही असरदार है। उसके साथ साथ ये हृदय है, इसकी स्मेल से प्रसन्नता आती है, आप तो जानते ही है। तो ये चंदन चूर्ण हमने 10 ग्राम्स डाला है। अब ये जो ऊपर का जो है उससे हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मुखालेप फेस पैक है वो रेडी है, रेडी टू बी यूज्ड है। इसका कलर कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट स्किन कलर है। उसकी स्मेल तो बहुत ही अमेजिंग है, इसका मतलब ये हमारे सभी इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। ये देखिए ऑलमोस्ट स्किन कलर्ड है, लाइट ब्राउन कलर्ड, या आप इसे इसे आप नहाने के लिए उपकरण के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मसूर की दाल का आटा मिक्स कर सकते हैं, कच्चा दूध मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसे डेली स्किन केयर के लिए फेस पैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, फेशियल के बाद भी आप इसको फेस पैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो सभी व्यूअर्स को पसंद आया हो, एंड वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू सभी व्यूअर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, share and comment. धन्यवाद. Be healthy and be Ayurvedic.